हे गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्वाइव ऑन राफ्ट को। तो कंटिन्यू करते हैं और आज मैं इस सीरीज का एंड कर दूंगा। आज मैंने वैसे काफी कुछ यहाँ पर किया है, ये मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही खाली टाइम पास के लिए लगा दिया है। पता नहीं है किस काम आता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है किस काम आता है। बस एक नई अपडेट आई थी और मैंने अपनी गेम को अपडेट कर लिया, तो ये काफी कुछ बदल गया है इसमें। वैसे इस डब्बे को खोल कर देखते हैं, इसमें मेरे पास काफी सारा सामान है और ये हमारा 7वां चेस्ट है। तो ठीक है, आज के एपिसोड में हम अपना थोड़ा सा बेस बढ़ाएंगे और नई नई चीजें ट्राई करेंगे कि हमारे पास क्या क्या हम बना सकते हैं। तो यार ये नई अपडेट है और इसमें काफी कुछ अच्छा सा है, तो देखते हैं क्या क्या है। ये बड़ा वाला चेस्ट इसमें आ गया है और ये तो था ही हमारे पास। और आज हम ये बनाने वाले हैं फर्निस, बिग फर्निस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें स्कार्प चाहिए, तो स्कार्प मेरे पास है बहुत सारा। इसके अंदर देखते हैं है या नहीं। ये रहा स्कार्प, मैं ये बनाने वाला था। इसे हम क्राफ्ट करते हैं और इसे हम यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे चलाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए होगी ढेर सारी, तो इसमें लकड़ी लगा देते हैं ऐसे। और अब हम इसमें फिश पका सकते हैं। फिश है हमारे पास, पहले चेक करते हैं। फिश सारी पकी हुई है, वैसे मैंने एक बार बनाया। अरे एक ये रखा तो है, मुझे बनाने की क्या जरूरत थी यार। ये क्या किया मैंने, खाली मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर और मैंने फिश भी खा ली। अब मुझे पानी चाहिए होगा क्योंकि पानी बहुत कम बचा है मेरे पास। इसमें है पानी, इसमें है पानी, ठीक है हम पानी पीते हैं एक मिनट। ओके, पानी पी लिया मैंने। अब हम बेस को बड़ा करते हैं थोड़ा सा और हेलीकॉप्टर को आए फिर मैं गन मार कर देखूँ। मुझे कमेंट में बताया गया था कि हेलीकॉप्टर आने के बाद गन चलानी है, तो हेलीकॉप्टर जब आएगा फिर हम गन चलाएंगे। और मैंने शायद ऊपर भी कुछ किया है, मुझे याद आ गया। तो ऊपर मैंने ये टैंक लगाया, ये टैंक किसी काम का नहीं है, पता नहीं किस लिए है। तो अब हम नीचे चलते हैं और मैंने यहाँ से वो सारे जो पिलर टाइप के थे वो सारे हटा दिए। मुझे कमेंट में बताया गया था कि अगर आप पिलर हटाते हो तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है, इसीलिए मैंने पिलर हटा दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आगे जाकर देखें क्या होता है। यहाँ से हम लंबी सी बेस बनाएंगे और आगे जाकर देखेंगे क्या होता है। तो उसके लिए हमें ढेर सारे प्लैंक चाहिए होंगे, तो हम प्लैंक ऊपर से लेकर आते हैं ढेर सारे और फिर आगे 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 लगाते चले जाएंगे। तो मैंने 200 प्लैंक ले लिए हैं, 200 काफी होंगे। और हम सीधी सीधी लाइन बनाएंगे और आगे तक जाकर देखेंगे क्या होता है। अरे अब हमें इसके लिए ये क्या कहते हैं राग भी चाहिए होगा और रोप भी चाहिए होगी। पहले शायद इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। रोप मेरे पास नीचे ही होगी शायद, यहाँ पर देखते हैं रोप है या नहीं। और हम रोप बना लेते हैं, यहाँ से पत्तियाँ ले लेते हैं और इन पत्ती की रोप बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सारी पत्ती ले ली है और अब हम देखते हैं कितनी रोप बना सकते हैं यहाँ से। यहाँ से सारी 100 रोप। ओके, क्राफ्ट ऑल। ओके ठीक है, तो इतनी सारी रोप हमने बना ली है। अब हम चलते हैं आगे। मुझे अपनी इन्वेंटरी को भी खाली करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमें सामान मिलेगा तो हम उस सामान को ले सकें, इसलिए हम अपनी इन्वेंटरी को खाली कर लेते हैं। इसे भी यहाँ पर रख दो, इसे भी, बिकॉज इन चीज़ों की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक चेस्ट और बना लेता हूँ जिससे कि और सामान हम अब रख सकें। इसके लिए मुझे ग्लू है पता नहीं क्या है, तो हमें ग्लू बनाना पड़ेगा और 8 स्कार्प चाहिए, ठीक है। ग्लू बनाते हैं, पहले हम 8 ये निकाल लेते हैं। अरे यार इसके के लिए मुझे वो स्प्रिंग चाहिए होंगी, तो ठीक है ये रही स्प्रिंग, उठा लो। वो डब्बा मैं अभी नहीं उठाऊंगा, बाद में उठाऊंगा बिकॉज मेरी इन्वेंटरी खाली में भर जाएगी। तो अब हम ग्लू बनाते हैं, क्राफ्ट 1 2। ओके ठीक है, तो ग्लू बन गए और अब मुझे ये बनाना है। किधर गया, ये रहा बिग चेस्ट, इसे बिल्ड करते हैं और यहीं पर रख देते हैं। ये हमने रख दिया, अब हम इसे खोलते हैं और इसमें बाकी सामान रख देते हैं। एक मिनट, ये हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, इसे यहाँ पर रखो, ये रख देते हैं, ठीक है। अब हमारी काफ़ी सारी इन्वेंटरी खाली हो गई है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे प्लैंक लगाने, बिकॉज अब इस गेम में कुछ रह नहीं गया, इसलिए हम केवल यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे आज के एपिसोड में। तो अब हम यहाँ से बिल्ड करते हैं और सीधा सीधा बिल्ड करते जाएंगे, आगे तक जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ ये। आगे तक जाए कोई फायदा नहीं है, हम क्या करें अब। बाकी चीजें देखते हैं क्या क्या यहाँ पर नई चीज है। ये मैंने बना कर देखा, ये पता नहीं कोई काम में नहीं आया मेरे। और ये बेड है, सीड है, और ये कुछ खास तो है नहीं अब। और आगे के लेवल्स कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इन्हें अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक वॉल लगाने का, वॉल लगाते हैं। Break it. Nice.
वेरी गुड, क्या घर है, वाह बड़ा ही मस्त, बड़ा ही शानदार घर है मेरा, वाह वाह वेरी नाइस, मैं बहुत खुश हूँ मैंने इतना घर बड़ा बना लिया है। तो अब हम अंदर कुछ बनाते हैं, फटाफट से क्रिएट करते हैं रूफ, ये क्या चीज है, तो यहाँ पर लगाते हैं। न्यू रेसिपी अनलॉक्ड, ओके अब देखते हैं क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे, ये तो मैंने पहले ही बनाया था ना, तो अब ये सारी चीजें फालतू की हैं। एक मिनट हम वहाँ पर ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये यहाँ पर हम कुछ लगा सकते हैं या नहीं। ओ यार हेलीकॉप्टर भी नहीं आया आज, तो हेलीकॉप्टर आ जाता तो मैं वो कर लेता, क्या कहते दिखा देता आपको। तो एक बार हम मर के देखते हैं क्या होता है, हम अभी तक मरे नहीं है, एक बार हम मर के देखते हैं क्या होता है। आजा सार मुझे मार दे, एक मिनट पहले मैं अपना सामान रख दूँ सारा, फिर मरेंगे, हो सकता है मेरा सामान चला जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामान चला जाए। तो केवल दो चीज़ें लेकर हम मरेंगे, आजा सार्क मुझे मार दे। अरे यार हेलीकॉप्टर तो नहीं आ रहा है, पहले हेलीकॉप्टर देख लेते हैं, हेलीकॉप्टर कहीं पर नहीं है। ओके अब हम यहाँ पर मरते हैं, आजा सार्क, सार्क ये रही सार्क, अरे मार ना मुझे, मैं तेरे पीछे आऊँगा, ले ओ वो शिप जा रही है, शिप मुझे बंदूक लेनी पड़ेगी। ओके सार्क आ गई है, तो पहले हम मर ही जाते हैं। अरे 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 मार दिया, अरे क्या होगा अब, डेज सर्वाइव, 31 दिन तक हमने सर्वाइव किया है, कंटिन्यू, अब क्या होगा, लेवल 16, ओके ठीक है। तो वो शिप कहाँ चली गई, शिप मैंने अभी देखी थी, अरे गन 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 मुझे चाहिए, गन मैंने इसमें रखी थी, इसमें नहीं है, इस वाले में होगी शायद, इसमें होगी, होनी चाहिए बिल्कुल 100% होनी चाहिए। ये रही गन और ये रही बुलेट आ जा, ओके लेट्स शूट हिम, क्योंकि यहाँ शिप से भी कोई आता है और हमें डब्बा दे जाता है, मैंने ट्राई किया था ना इसलिए। ओके अब हम शिप के पास चलेंगे, बिल्कुल शिप के पास चलेंगे, अरे यार मुझे पहले वो चाहिए होगा, क्या कहते हैं इसे, एक बार शिप के पास भी तो मार के देखें क्या होता है, शिप को आने तो फिर हम मारेंगे। अरे शिप के पास हम नहीं जा सकते, क्योंकि शिप के पास जितने ही पास जाएंगे उतनी शिप दूर जाएगी। वो तो कैसी आवाज़ आई है, अच्छा शिप की आवाज़ थी, वो शिप गायब हो गई और मुझे डब्बा नहीं, देखो डब्बा आ गया, मैंने कहा था ना ये डब्बा इसी से मिलता है, एक डब्बा और आना चाहिए, फिर एक ही डब्बा मुझे क्यों मिला, डब्बा आ जा मेरे पास। ओके अरे शार्क आ रही है, शार्क आ रही है, मैं जा रहा हूँ शार्क जी, जा रहा हूँ यार, क्यों परेशान, अरे क्या हो जाता है यार कभी कभी ये। चलो तो अब हम गाइस इस सीरीज का यहीं पर एंड कर देते हैं, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में कुछ खास मैं करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता गेम का एंड है या नहीं है, मुझे लग रहा है अब मुझे इस सीरीज का एंड कर देना चाहिए, पहले हम सो लेते हैं फिर हम इस सीरीज को अलविदा कह देंगे। तो सुबह हो गई है और आज हम इस सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं, और इसके बाद जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उस गेम का नाम है सर्वाइवल एडवेंचर। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अरे भाई 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 भा